नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी दूसरे नंबर की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के हेल्थ से लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बताएं कि सिंगापुर के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन माउंट एलिजाबेथ ऑर्चर्ड हॉस्पिटल में लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य का सफल किडनी के ऑपरेशन होने के बाद अब आपको बताया कि रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव दोनों बिल्कुल बेहतर हैं, स्वस्थ हैं। और अब आपको बताया कि ऑपरेशन के बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ को लेकर जानकारी दी है। क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य, आपको पहले उनके ट्वीट को दिखाते हैं। आज मैं आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई हूँ, मगर पापा अभी हॉस्पिटल में हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज बनी हुई है। बस आप लोगों की दुआओं की शक्ति चाहिए कि पापा भी जल्द से जल्द ठीक होकर आपके बीच आपके अधिकार की खातिर आवाज़ बुलंद कर सके। तो देखिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली और खासकर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रोहिणी आचार्य हमेशा ट्वीट करती रहती हैं बिहार को लेकर या बिहार की राजनीति को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देती रहती हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने अपने हेल्थ को कर जो है जानकारी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब बेहतर हो गई हैं, वो घर लौट गई हैं, लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव अभी उनकी तबीयत अभी नासाज है। और उन्होंने बिहार के जनता से कहा है कि बिहार की जनता आप प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप दुआ करिए कि पापा जल्दी से ठीक हो जाए। आपको बताया कि बीते दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पटना पहुँचे थे जहाँ उन्होंने लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी जानकारी दी थी, लालू प्रसाद यादव के हेल्थ से रिलेटेड जानकारी दी थी। आपको बताया कि सिंगापुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा, यह जानकारी खुद आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने दी है। तेजस्वी यादव एक दिन पहले ही यानी बीते दिनों वो पटना लौटे, यहां आते ही उनसे जब आरजेडी सुप्रीमो की हेल्थ को लेकर सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव अच्छे हैं, ऑपरेशन सफल रहा है, नया जो किडनी है वो अपना काम शुरू करने लगा है, बहन रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दी है, वो भी अच्छे से रिकवर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ बेहद सक्सेसफुल रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इसी महीने यानी 5 दिसंबर को जिस दिन कुड़नी में उपचुनाव हुई थी उस दिन ही सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बेटी रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता को किडनी डोनेट की थी जिसके बाद 5 दिसंबर को सर्जरी हुई। इस दौरान लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती मौजूद रही। आरजेडी मुखिया के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भारत वापस लौटते ही तेजस्वी यादव ने पिता और बहन का हेल्थ अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है, दोनों अब बेहतर ढंग से रिकवर कर रहे हैं। आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव को आईसीयू से शिफ्ट कर उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी बेटी यानी जो रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की थी वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, घर लौट आई हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।